मैंने कहा भाई जोक नहीं कर रहा हूँ, आई डोंट नो हाउ टू स्विम। डूबते हुए कुछ तरीके का सारा और कितना भी खूबसूरत भाई। इटली, हाँ वो इटली की, थाईलैंड वाली एक कहानी सुना देता हूँ। देख क्या हुआ था, हम लोग गए थे कराबी, मैं था, मेरे एक सीनियर दोस्त थे, उनकी उम्र मुझसे 10 साल तो ज्यादा होगी, ठीक है। और दो है, एक दो लौंडे थे, उसमें से एक लौंडा जो था वो क्या था, कॉलेज से बाहर आया था, कॉलेज से मतलब कॉलेज को पास आउट ही किया था वो, तो उसके अंदर बिल्कुल मतलब मैं उसके अंदर अपना पास देखता था, ठीक है। और एक और था, एक लौंडा और था, वो बिल्कुल हमारे बीच का मीडिएटर था। हम चार लोग थे, हम गए थे, घटनाएं तो बहुत घटी जिसके बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन एक घटना जो हमेशा मुझे याद रहती है और याद रहेगी हमेशा, वो यही थी कि भाई साहब हुआ क्या कि हम लोग जो है वहां से कराबी गए, ठीक है। कराबी में क्या, बहुत सुंदर सुंदर खूबसूरत खूबसूरत बीच है, ठीक है, ठीक है, बीच है बहुत खूबसूरत खूबसूरत, ठीक है। वहां गए तो जैसे वहां पे गए, वहां का पानी भी इतना मतलब बहुत क्लीन वाटर था, बहुत क्लीन वाटर, मतलब नीला पानी, हरा पानी दिख रहा था, वो कुछ दिख ही नहीं रहा था वहां पे, नीचे तल भी दिखाई दे रहा था, ठीक है। मुझे क्या, मुझे स्विमिंग नहीं आती, ठीक है, ठीक। अब जिसको स्विमिंग नहीं आती उसको बड़ा डर लगता है भाई पानी में डूबने, पानी में डूबने में, ठीक है। अब हुआ ये भाई साहब कि यहाँ पे भाई साहब पहाड़ वगैरह थे, ये पहाड़ वगैरह थे, बहुत दूर आ गया, वो कम से कम मान के चल 2 घंटे की जर्नी हुई शिप के, जो शिप होता है उससे, शिप जो भी शिप से 2 घंटे की जर्नी के बाद फिर अपन ऐसी जगह पहुंचे जहां पहाड़ पहाड़ था और यहां था पानी, पानी बड़ा बढ़िया, बड़ा प्यारा पानी, मजा ही आता है देख के भाई साहब। अब उसने क्या किया भैया, बोट को इस तरीके से उसने यहाँ पे कर दिया, रोक दिया, ठीक। अब यहां पे किनारा था बड़ा बढ़िया, बंदर बंदर दिख रहे थे सब बड़े खूबसूरत खूबसूरत, ठीक, बंदरिया भी दिख रही थी बहुत खूबसूरत खूबसूरत, ठीक। तो उसके बाद भैया यहाँ पे अब उसने बोल दिया भैया हम यहाँ पर 1-2 घंटे तक हम लोग यहाँ पे रहेंगे, किसी को पानी में डुबकी मारनी है, नहाना है, रिलैक्स होना है, स्नॉर्कलिंग करनी है, जिसको जो करना है या नीचे पानी के अंदर जाना है वो आप कर लीजिए सब लोग। अब मेरे को तैरना आता नहीं भाई साहब, तैरना सीख लेना सब लोग। अब कि भाई हुआ ये कि अब सब लोग वहां पे तारातारी करने लगे, इधर उधर तैरना शुरू कर दिया। अब हमारे चारों के चारों ही ऐसे थे, हम चारों, मुझे तैरना नहीं आता था, जो मेरे सीनियर सर थे उनको भी तैरना नहीं आता था, जो कॉलेज का लौंडा था उसको हल्का फुल्का छप छप करना आता था, और तीसरा वाला तो बहुत ही डरता था भैया। सबने कोशिश कर ली उनको किसी तरह पानी में उतारे, वो पानी में उतरे नहीं, मेरी भी हवा संट हो रही थी क्योंकि यार ऊंचाई से कूदना और नीचे पता नहीं कितना गहरा हो और तैरना आता नहीं है। फिर सबने मुझे, सर ने, सर लोगों ने बोला यार वो लाइफ जैकेट पहन ले और लाइफ जैकेट पहन कर कूद जा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा मजा आएगा। मैंने कहा ठीक है चलो, जो जोश में भैया मैं यहां से लाइफ जैकेट में साला कूद गया। अब कूदा नीचे गया और डर तो लगे ही जाता, नीचे गया नीचे गया नीचे गया, जब तक मैं और नीचे पहुंचा पानी के अंदर मुझे रियलाइज हो गया कि मेरी लाइफ जैकेट जो है ना वो खुल चुकी है, वो यहां से भी खुल गई, यहां से भी खुल गई, और अब लाइफ जैकेट ऊपर की तरफ, मैं नीचे की तरफ। अब मेरी बड़ी भैया हवा खराब हो गई, मैंने कहा जिसका डर था साला वही हो गया, इतनी घटिया लाइफ जैकेट बांध के दी है उसने, खुल गई वो। अब मैं नीचे फिर ऊपर आया तो भाई साहब पता चला लाइफ जैकेट सच में खुल गई थी, सच में खुल गई थी वो। मैंने देखा अब वो ना मुंह से बस बाहर ही निकलने को तैयार है, ऑलमोस्ट निकल ही गई थी, बस मैंने हाथ में, एक हाथ से तो निकल गई थी, दूसरे हाथ से मैंने ऐसे फंसा ली थी। मैंने कहा अब हो गया काम बढ़िया, सामने देखो देगा साला हाथ पास दूर दूर तक कोई भी नहीं है। अब मैं साला कूदा भी ऐसे टाइम पे जब कोई नहीं था वहां पर, बस वो वाले सर थे, सीनियर सर थे, वो आराम से भैया यहां पर बैठे हुए थे, यहां पर मुझे देख रहे थे ऐसे, बोले यार ये अब यार इसकी तो लाइफ जैकेट खुल गई। अब मैं क्या भैया एक सांस का प्लेयर हूं, एक सांस का मतलब एक सांस में जितना तैर सकता हूं उतना ही तैर सकता हूं, उसके बाद सांस लेना मेरे को नहीं आता है। अब मैंने देखा भैया हो गया काम, छप 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 हल्का गया, मैंने कहा हाथ तो नहीं पड़ गया भाई साहब। अब कोई था भी नहीं आसपास, सब लोग दूर थे, ठीक, काफी लोग मतलब सब लोग इधर उधर चले गए थे टहलने के लिए। तो उसके बाद जो है फिर मैंने फिर क्या किया, मैंने सोचा एक सांस में कोशिश करता हूं उधर तैरने की, मगर ससुरा ये बहुत दूर था, यहां से यहां तक आप जाओगे तो ये कम से कम ज्यादा नहीं तो 50 मीटर तो था ये, और 50 मीटर बहुत होता है डूबते हुए आदमी के लिए, ठीक है ना, क्योंकि कम से कम ये 10-20 मीटर की तो ये थी और 30 मीटर वो किनारा था। अब भाई साहब जैसे ही मैंने देखा, मैंने एक तरीके से एक मैंने छप छप मारना शुरू किया, और जैसे ही मैं यहां से इधर गया, मैं ज्यादा नहीं जा पाया, 5-7-8 मीटर जा पाया, तो सामने देखा बहुत ही, हाँ हमारे ग्रुप की बहुत ही सुंदर 2 लड़कियां नहा रही थी, ठीक है, स्विमिंग कर रही थी और मजे से एकदम, वो एकदम रिलैक्स हो रही थी और वो प्रोफेशनल स्विमर थी, ठीक, ये मुझे एहसास हो गया था। अब मैं पहुंचा वहां पर तो उन्हें लगा मैं मजाक कर रहा हूं, तो उसने बोला इंग्लिश में आर यू जोकिंग। मैंने कहा भाई जोक नहीं कर रहा हूं, आई डोंट नो हाउ टू स्विम। उसको फिर रियलाइज हुआ कि हाँ इसको सच में स्विम नहीं आती है, तो भैया उसमें से जो एक डेयरिंग नेचर की थी वो खुद आगे आई, आगे आके उसने मेरे गर्दन को यहां से प्यार से पकड़ा, जैसे
हाथ रखते हैं बचाने वाले को। मैं भाई साहब डूबते हुए वही वाली कहानी हो गई, डूबते हुए को तिनके का सहारा और तिनका भी खूबसूरत भाई साहब। तो भाई मैं सच में उस टाइम में ऑब्वियसली जान में जाना कि कोई बचाने आई, फिर वो दूसरी भी आई बचाने, उन्हें बोला ना आई एम ओके आई मैं हैंडल कर लूंगी उसको। तो उसने भाई साहब बड़े प्यार से एक हाथ से वो तैरे, एक हाथ से मुझे लेके गई, और जैसी मैंने गर्दन घुमा के देखी अपने सर को, सीनियर सर को, उनका मुंह ऐसे खुला हुआ। मैंने कहा भाई अंदर के अंदर मेरी जवान से गालियां निकली, मैंने कहा बचाने नहीं आ सकते थे ऊपर से, यहां से बैठ के तमाशा देख रहे हो और मजे ले रहे हो यहां पर आके। फिर बाद में मुझसे कह रहे, फिर उसने उस लड़की ने मुझे बचाया, ठीक है, बचा के वो दूसरी तरफ लेके गई, उसने आराम से मेरे को जो है बोट पे उतारा। बोट पे उतारने के बाद जो है, जो भी आपको पता होगा जितने लोग ट्रिप पे जाते हैं तो ट्रिप में जो ग्रुप बनता है वो सब एक दूसरे की केयर करते हैं, तो उसने अच्छे से केयर भी की मेरी, ठीक है, काफी देर तक। उसके बाद मैंने सारा गुस्सा सर पे निकाला, सर मुझसे बोले यार मैं भी कूद जाऊं क्या? मैंने कहा तुम्हें ना बचाएगी, मैं बुढ़ो लोगों को नहीं बचाती है, वो पता चला तुम कूद के मैं भी नहीं आऊंगा तुम्हें बचाने, फिर मत कहना मुझसे कि भाई साहब गए तो दे रॉयल रोड के वापस नहीं आए। तो ये बेसिकली मेरे साथ वो वाक्य हुआ, तो जो है ये मुझे हमेशा याद रहेगा। लेकिन वो जो उनका जो एक्सप्रेशन है वो मुझे अभी तक याद रहेगा, उनका एक्सप्रेशन ऐसे था, ऐसे देख रहे लगातार। मैंने कहा भाई ये क्या है, कोई बचाने नहीं आ रहे हो, कोई बचाने आ गया तो उसको तुम इस तरीके से देख रहे हो, ये तो गलत बात है भाई। तो एक वाक्य मेरे साथ ये हुआ था, फिर हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे सारे लोग। होता ही है जब एक ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो, ठीक है, हमारा जो 3-4 दिन का ट्रिप था, हम सब लोग फिर दोस्त बन गए।